Hello, my dear students. In today's class, we will be discussing here about the chapter number 6, that is pronouns from your book. We start from the page number 26. What is pronouns? Pronouns kya hota hai? Aapne padha hoga in the previous classes, you must have read about it. So, aaj main aapko bataungi pronouns kya hote hain. We know that the words which are used for instead of a noun are called pronouns. क्या होते हैं वो words जो noun की place पे use आते हैं वो pronouns कहलाते हैं. Okay, so we can see there are 10 types of pronouns. Pronouns are of various kinds. Kinds of pronouns are here. First is personal pronoun, second is interrogative pronoun, third is indefinite pronoun, fourth is relative pronouns, fifth is possessive pronoun, and sixth is reflexive pronouns. Then seventh is emphasizing pronouns, and eighth is demonstrative pronouns. Then reciprocal pronouns, and the last one is distributive pronouns. So students, in today's chapter, we will be briefly talking about the types of pronoun and their definitions. So, pehle pronoun kya hai? Yahan pe first you can see personal pronoun. So, personal pronoun kya hota hai? Jise ki ye word apne aap mein suggest kar raha hai. Aise pronouns, the pronouns in the above sentence stand for the name of person or things. Wo pronoun jo kisi word ka indication dete, jo pronoun जो किसी पर्सन या किसी थिंग के नेम का इंडिकेशन देता है वो क्या कहलाते हैं पर्सनल प्रोनाउन. द प्रोनाउन्स इन द अबव सेंटेंसेस जैसे आप देख सकते हैं फर्स्ट वन इज डिड आई नॉट टेल यू टू बी पंक्चुअल रमा. वी शुड ऑलवेज स्पीक द ट्रूथ. व्हाई आर यू क्राइंग. आर यू अफ्रेड ऑफ मी. तो ये बॉक्स में आप देख सकते हैं a pronoun I, you, it or they used instead of a noun that names a definite person or thing is known as personal pronoun. इसमें हमने I, you, it or they हमने किसी चीज़ का किसी person का या किसी thing का नाम नहीं लिया. हमने क्या use कर लिया is did I. मैंने मेरा नाम नहीं लिया. यहाँ पे you कौन है जो भी है मैंने वो नाम लिया. It का use करा. It क्या है we don't know. और they तो ये क्या कहलाते हैं पर्सनल प्रोनाउन. वो प्रोनाउन जो कि डेट स्टैंड फॉर द नेम ऑफ पर्सन और थिंग्स इज कॉल्ड पर्सनल प्रोनाउन्स. ओके स्टूडेंट वी मूव ऑन टू द नेक्स्ट पेज नंबर डेट इज 27 पेज नंबर पे हम देखेंगे. यहाँ पे हमें 3 कैटेगरीज के टॉपिक दे रखे हैं. फर्स्ट इज पर्सन देन नंबर जेंडर एंड केस. पर्सन क्या होता है अपर प्रोनाउन रेफरिंग टू द पर्सन स्पीकिंग इज सेड टू बी. फर्स्ट पर्सन कौन होता है जो बोलने वाला होता है लाइक आई मी वी अस. सेकंड पर्सन क्या होता है अ प्रोनाउन रेफरिंग टू द पर्सन स्पोकन टू. हम जिससे बात करते हुए होते हैं वो सेकंड पर्सन कहलाता है एज यू. थर्ड पर्सन क्या होता है अ प्रोनाउन रेफरिंग टू द पर्सन और थिंग स्पोकन ऑफ इज सेड टू बी द थर्ड पर्सन. और हम जिसके बारे में बात करते हैं वो क्या कहलाता है ही हिम शी हर इट दे देम. नेक्स्ट टॉपिक है नंबर जेंडर एंड केस. नंबर तो आप समझते होंगे. पर्सनल प्रोनाउंस आर यूज टू रिप्रेजेंट स्पेसिफिक पीपल एंड थिंग. दिस डिपेंड ऑन नंबर. तो ये पर्सनल प्रोनाउन क्यों यूज़ में लिया जाता है हमने फर्स्ट पेज पे पढ़ा. पर्सनल प्रोनाउन इसलिए यूज़ में लिया जाता है बिकॉज हमें आइडेंटिफाई करना होता है कुछ पर्टिकुलर स्पेसिफिक पीपल और थिंग्स को. तो ये किस पर डिपेंड करता है नंबर. ये पर्सनल प्रोनाउन किस पर डिपेंड करता है डिपेंड्स ऑन द नंबर पर्सन जेंडर एंड केस. फर्स्ट पर्सन क्या है सिंगुलर हो तो आप इस चार्ट में देख सकते हैं. फर्स्ट इज आई मी माइन. और सेकंड क्या होगा वी अस आर्स. इसी तरह से सेकंड पर्सन है यू योर्स. प्लूरल क्या होगा यू एंड योर्स. थर्ड पर्सन ही हिम हिज शी हर हर्स इट. और इसका प्लूरल क्या होगा दे देम देयर्स. ओके तो जेंडर तो आप समझते होंगे जेंडर होता है मैस्कुलिन एंड फेमिनिन. जो किसी मेल पर्सन को रेफर करे वो ऑब्वियसली मैस्कुलिन है और जो फीमेल को रेफर करे वो फेमिनिन है. ओके स्टूडेंट सो ये पेज नंबर पे 28 पे देयर इज अ एक्सरसाइज गिवन यू हैव टू डू इन योर बुक.
इसी ही तरह से आपको अंडरलाइन करनी है, जैसे अंडरलाइन द पर्सनल प्रोनाउन इन द फॉलोइंग सेंटेंस एंड से फॉर व्हाट ईच स्टैंड्स फॉर। लाइक मैं आपको बता दूँ इसमें पर्सनल प्रोनाउन क्या है, जो ये ब्लैक मार्कर से मैंने हाईलाइट करा, डेट इज़ द आंसर। फर्स्ट वन इज द बॉय स्टूड ऑन द बर्निंग डेक व्हेन हैंड्स ऑल बट ही हैड फ्लेड। इसमें ही पर्सनल प्रोनाउन है, नो मैट नो कॉमरेड ल्यूसी न्यू शी ड्वेल्ट ऑन अ वाइट मोर। इसमें शी पर्सनल प्रोनाउन है। ओके, नाउ द सेकेंड टाइप ऑफ प्रोनाउन वी आर अबाउट टू डिस्कस हियर इज पजेसिव प्रोनाउन। पजेसिव का इंग्लिश में क्या मीनिंग होता है, मैंने पहले भी बताया था, पजेसिव मतलब होता है पजेशन, हैविंग पजेशन, वो चीज़ जो आपसे बिलोंग करती है तो वो पजेसिव कहलाती है। लाइक दिस बुक इज माइन, ये बुक मेरी है, मुझसे बिलोंग कर रही है, तो ये कहलाएगी पजेसिव प्रोनाउन। डेट हाउस इज हर्स, वो घर किसका है, वो हमारा है। दिस इरेजर इज हर्स, ये इरेजर किसका है, ये उसका है। तो वो चीज़ जो किसी से बिलोंग करती है वो पजेसिव कहलाती है। ये पजिशन से बना है ये वर्ड। सो वी कैन से द वर्ड इन इटैलिक्स शो पजिशन, दे आर कॉल्ड पजेसिव प्रोनाउन। ओके, यू कैन सी द डेफिनेशन इन द हेल्प बॉक्स ऑफ पजेसिव प्रोनाउन। वर्ड्स विच शो पजेशन और रिलेशनशिप ऑफ अ पर्सन और थिंग टू अनदर पर्सन और थिंग इज कॉल्ड पजेसिव प्रोनाउन। वो वर्ड जो कि पजेशन शो करते हैं या रिलेशनशिप शो करते हैं किसी चीज़ का या किसी इंसान का दूसरी चीज़ से या दूसरे इंसान से, वो क्या कहलाता है, पजेसिव प्रोनाउन। ओके, सो अगेन देयर इज एक्सरसाइज नंबर टू, फिल इन द ब्लैंक्स विद द करेक्ट पजेसिव प्रोनाउंस। आई गेव हर माई फोन नंबर एंड शी गेव मी हर्स। इसी तरह से सेम वे यू हैव टू फिल अप दिस ऑप्शन, आई गेव हिम माई फोन नंबर एंड ही गेव मी हीज। ओके, नाउ थर्ड वन वी विल सी, थर्ड प्रोनाउन इज रिलेटिव प्रोनाउन। रिलेटिव प्रोनाउन क्या होता है, इन द हेल्प बॉक्स वी विल सी प्रोनाउंस लाइक हु एंड विच डेट रिलेट टू और रेफर टू अ नाउन प्रिसीडिंग दैम इन अ सेंटेंस। इसको रिलेटिव प्रोनाउन वो होता है, ये जो वर्ड्स होते हैं हु या फिर विच, जो कि रिलेट करते हैं, रेफर करते हैं उस नाउन को जो कि हमारे सेंटेंस में आने वाली है, प्रिसीड करने वाली, उसे रिलेटिव प्रोनाउन कहते हैं। कि रिलेशन बताती है, एक्चुअल रिलेटिव का कहाँ से ड्राइव्ड हुआ है ये वर्ड, रिलेशन से। सो वी कैन सी हियर, आई नो डैट बॉय हु इज़ कमिंग, मैं उस लड़के को जानती हूँ जो कि यहाँ आ रहा है। तो ये हु क्या है, इसमें रिलेटिव प्रोनाउन है। सेकेंड इज ब्रिंग मी द लेटर्स विद द पोस्टमैन लेफ्ट, तो इसमें विच ये कनेक्शन बता रहा है, वो लेटर लेके आओ मेरे पास जो कि पोस्टमैन छोड़ के गया है। तो ये भी रिलेटिव प्रोनाउन हो गया। इन द अबव सेंटेंसेस द प्रोनाउंस हु एंड विच नॉट ओनली स्टेड इंस्टेड ऑफ नाउन। ये जो हु, ये जो सेंटेंस थे दोनों मैंने ऊपर रीड करे हैं, इसमें ये देखेंगे हम, ये जो हु एंड विच है ये नॉट ओनली स्टैंड इंस्टेड ऑफ नाउन, ये नाउन के साथ साथ नाउन के प्लेस पे तो यूज़ में आ रहे हैं, बट ये सेंटेंसेस को जोड़ भी रहे हैं। जैसे कैसे कनेक्ट कर रहे हैं, देखो यहाँ कनेक्टिव वर्ड भी यूज़ हो रहे हैं यहाँ पे, जैसे आई नो द बॉय हु इज़ कमिंग, तो दो सेंटेंसेस कनेक्ट हो रहे हैं। ओके, सो ये प्रोनाउन क्या कहलाएगा, रिलेटिव प्रोनाउंस। देखो, रीड दिस सेंटेंसेस विद रिलेटिव प्रोनाउन, द हाउस डैट मिस्टर बग्गा बिल्ड इन देहरादून इज अप फॉर सेल, ये रिलेटिव प्रोनाउन है और ये डैट इसमें कनेक्टिव वर्ड है। ओके, द पर्सन हु फोन मी लास्ट नाइट इज माई टीचर, इसी तरह से ये रिलेटिव प्रोनाउन है। लास्ट प्रोनाउन हम यहाँ देखेंगे रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन एंड एम्फसाइजिंग प्रोनाउन। रिफ्लेक्सिव क्या होता है स्टूडेंट्स, रिफ्लेक्सिव वो होता है, फर्स्ट हम बॉक्स में देखेंगे डेफिनेशन इसकी, द प्रोनाउंस माई सेल्फ आर सेल्फ योर सेल्फ योर सेल्फ हिमसेल्फ हर सेल्फ इट्स सेल्फ देम सेल्फ व्हेन यूज्ड एज एन ऑब्जेक्ट ऑफ अ वर्ब और प्रीपोजिशन आर कॉल्ड रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। वो प्रोनाउन जो कि ऑब्जेक्ट ऑफ वर्ब बने या फिर प्रिपोजिशन बने, ऑब्जेक्ट ऑफ वर्ब और प्रिपोजिशन बने, वो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन कहलाता है। ओके स्टूडेंट, आई
myself saw him do it. We will see it to ourselves. That is, you yourself can explain. Okay? तो हम ये देखेंगे. It will be seen that the words in italics are used in two ways. इसी के साथ एक emphasizes pronoun भी है, जिसे हम देखेंगे. For emphasizes, noun कौन सी है? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. ये जो example है 12, इसके अंदर हम देखेंगे कि ये वाले तो emphasizing pronouns को लाएंगे. Emphasizing pronoun होती हैं जो कि emphasize करें, एक influence डालें जिसके ऊपर, वो emphasizing pronoun कहलाती हैं noun के ऊपर. और reflexive कौन सी होती हैं इसके अंदर? Example 9, 10, 11, 12, ये कौन है? Reflexive pronoun है. Okay student, यहाँ पे एक exercise है, page number 30 पे आपको करना है. Underline the pronouns in the following sentence and say which are emphasizing and which reflexive. Write E for emphasizing and R for reflexive pronoun. आपको भी इसी तरह करना है, मेरी तरह highlight करना है book के अंदर. Okay, thank you. We will discuss the rest of the chapter in the next video.